सभी भाइयों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्कार। पहले तो मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जो हर वक्त हर समय हम लोगों का साथ दे रहे हैं। जैसा कि मानव भारती के प्रकरण के बारे में हम सबको मालूम ही है कि ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हमारी जो डिग्रीज एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेंडिंग में है। अब उसके लिए क्या है, नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है हम डीसी सर को मिले, नंबर ऑफ़ टाइम्स हम एडमिनिस्ट्रेटर सर को मिले, नंबर ऑफ़ टाइम हमने जो है यूनिवर्सिटी में विजिट करी और लोकल मीडिया को भी अप्रोच किया, पर हर तरफ से हमें नेगेटिव रिस्पांस ही मिल रहा है या मिल रहा था। जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में गए तो उनके एंड में बोल दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटर सर से आप लोग बात कीजिए, वही कुछ रिलैक्सेशन आपको देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर सर से मिले, वो कहते कोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी चलो हमने एफर्ट्स किए, हमने कहा एटलीस्ट जो आप लोगों ने हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए हैं कम से कम उनके तो डॉक्यूमेंट्स, उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उनके पास आउट सर्टिफिकेट्स तो हमें आप लोग दीजिए, प्रोवाइड करवाइए। तो ये हमारी उनको अप्रोच करने के बाद ही उन्होंने लेटर हेड के ऊपर हमें सपोर्टिंग के लिए या हमारे एविडेंशरी प्रूफ के लिए या हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें जो है हमारी मार्कशीट उन्होंने देनी, प्रोवाइड करवाई। उसके बाद जैसा कि कमेटी का गठन किया गया, कमेटी का गठन करने के बाद रिलैक्सेशन के लिए बोला गया तो कमेटी के एंड पे भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए आ नहीं रहा है। तो आफ्टर द लॉट्स ऑफ डिस्कशन विद द ऑल द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, अब लास्ट में हम इसी कंक्लूजन में निकले हैं कि इसके लिए अब हमें हाईकोर्ट मूव करना पड़ेगा और उसके लिए हम सबको, आप सब भाइयों लोगों का साथ और समर्थन चाहिए। तो जिसके लिए जो भाई लोग काफ़ी मुझे कॉल्स कर रहे हैं, बार बार कहते हैं आपका रोड प्लान क्या है, आपका मैप क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, फर्दर क्या करना है इसमें, तो मैं उन सबको ये बोलना चाहूँगा कि 4 जुलाई को शिमला हाईकोर्ट में हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक सीनियर एडवोकेट सर ने बात की हुई है, मेरे एक नॉन जो है चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड है उनके थ्रू वो एडवोकेट हमने हायर किया है जो इस टाइप के केसेस को डील करता है। अगर किसी भी मेरे भाई को किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो प्लीज़ पर्सनली मुझे कॉल कर ले, अदर मेंबर्स को डिस्टर्ब ना करें। उससे क्या होता है कि अगर एक किसी का इशू होता है, क्लैरिफिकेशन होती है या वो किसी चीज़ के लिए अवेयर नहीं है, वो मैसेजेस पे मैसेजेस करता रहता है, तो उससे क्या अदर मेंबर्स जो है डिस्टर्ब होते हैं। मे भी कई लोग मुझे पर्सनली जानते होंगे, मेरे साथ मेरे जब भी विजिट्स की हैं या जब भी हमने सबको वहाँ पे असेंबल किया, मेरे साथ असेंबल भी हुए होंगे, बट जो नहीं जानते वो अब जान जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से या पर्सनली मेरे से मिल लें या मुझे कॉल कर लें। कोई भी अगर किसी को किसी टाइप का डाउट है, एनी टाइम यू मे कॉन्टैक्ट मी यार, मैं हमेशा आपके समर्थन में हूँ, आपकी बात सुनने के लिए हूँ और आप लोगों के लिए ही तो मैं खड़ा हूँ। देखो इसमें अब 1.5 साल हो चुका है, अभी हमारे प्रोविजनल डिग्रीज अभी तक मिले नहीं है, कोर्ट प्रोसीडिंग का कुछ नहीं पता, 1.5-2 साल और आगे लग जाएँ, 3 साल लग जाएँ, 5 साल लग जाएँ, आजकल तो चेक बाउंसिंग के केस को भी 3-4 साल लग जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट का एक सिंपल सा एप्लीकेशन मूव करते हैं उसको डिसाइड होने में 5-5-6-6 साल लग जाते हैं। तो ये तो इतना हाईलाइटेड मैटर है, कब डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा, जिन्होंने फ्रॉड किया है या नहीं किया है, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट उनको भी थ्रू बेल रिलैक्सेशन मिल चुकी है, तो स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन क्यों ना मिले। तो इस रिलैक्सेशन के लिए, अपने राइट्स के लिए, वी शुड मूव टू हाई कोर्ट। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल टू ऑल। जो लोग करना चाहते हैं वो पर्सनली मुझे कॉल करें, मैसेज करें, नंबर सबके पास है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और सब लोगों का साथ देने के लिए धन्यवाद।